दो तीन दिन से काफ़ी गर्मी की हुई थी फ्रेंड्स रांची में, और ये देखिए अचानक फिर चेंज हो गया मौसम, बारिश। मतलब बैंगन का आपने बहुत चीज खाया होगा, आलू बैंगन का सब्जी भी बनता है, बैंगन का भरता भी बनता है, और भी अलग अलग तरीके का बनता है। मैं आज बिल्कुल अलग बना रही हूँ बैंगन का भाजी। और तो फ्रेंड्स अब इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता, जिससे कि और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। ये बहुत यमी लगने वाला, बहुत यमी लगेगा इसका टेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आपका अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। सभी को नमस्कार जोहार, किचन से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार जोहार। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है, ये देखिए, आज है थर्सडे और स्पेशल कढ़ी पकौड़ी। कुछ पकौड़ी यहाँ फ्राई होकर निकल गया है, यही बन रहा है ना? हाँ, मैं बनाऊंगी पूरा, अभी शुरुआत की। तो थर्सडे स्पेशल हमारे यहाँ बन रहा है कढ़ी पकौड़ी। थोड़ा चेहरा इधर दिखा दो फ्रेंड्स लोग को भी। बना रही हो फ्रेंड्स अभी, और भी कुछ खाना वाना बनाना है, लगी हो काम भाव में। दो तीन दिन से काफ़ी गर्मी की हुई थी फ्रेंड्स रांची में, और ये देखिए अचानक फिर चेंज हो गया मौसम, बारिश। मतलब सडनली बारिश शुरू हो गया, आज झमाझम बारिश हो रहा है, झमाझम। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज बना रहे हैं कुछ अलग रेसिपी, वो भी बैंगन का। बैंगन का आपने बहुत चीज़ खाया होगा, आलू बैंगन का सब्जी भी बनता है, बैंगन का भरता भी बनता है, और भी अलग अलग तरीके का बनता है। मैं आज बिल्कुल अलग बना रही हूँ बैंगन का भाजी, और आप लोग बनाते हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, और पता है मौसम रांची में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम हो रहा है, और अब हो गई है बारिश शुरू और मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया है, तो मन कर रहा है अच्छा अच्छा चीज़ खाने का। तो ये देखो बैंगन हमने काट के रखा है, और ये हमारा ये सरसों है, इसमें सरसों है और लाल मिर्च है और लहसुन है, हमने पीस लिया है मिक्सी में। तो अब इसको बनाएंगे। तो कढ़ाई हमारा हो चुका है गरम, कढ़ाई में डाल दिया हमने ऑयल, तेल हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें डाल देंगे सरसों का फोरन और अब डाल देंगे कटा हुआ ऑन, अब डाल देंगे कटा हुआ बैंगन एकदम आराम से। ये हमने धो के रख लिया बैंगन को, अच्छे से काट के धो के, बस बैंगन डाल देंगे इसमें सब। थोड़ा सा बैंगन को फ्राई कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए बैंगन हमारा फ्राई हो चुका है। अभी ज़्यादा फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा किया, अभी इसमें मसाला वगैरह पड़ेगा, तो मसाला के साथ भी अच्छे से फ्राई होगा और ये गल भी जाएगा बैंगन। तो अब इसमें डालते हैं मसाला, ये डाल दिया हमने हल्दी का पाउडर, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ेगा इसमें फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि ना हमने सरसों के साथ मिर्च पाउडर भी पीसा है और लहसुन भी पीसा है, और नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और नमक पड़ेगा। और साथ में डाल देंगे ये मसाला, ये हमने सरसों लहसुन और लाल मिर्च, जो गोटा लाल मिर्च होता है ना वो हमने पीस लिया था फ्रेंड्स। तो साथ में एक साथ सबको अच्छे से फ्राई करना है, कुछ कुछ देर पे, थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे फ्राई करते रहेंगे, और फ्राई करते करते बैंगन भी पक जाएगा, अच्छे से गल जाएगा और मसाला भी पक जाएगा, और जो इसका टेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, बहुत यम्मी टेस्ट आएगा। तो ये सरसों वाला बैंगन बन रहा है, सरसों वाला बैंगन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा बन गया है, बैंगन भी अच्छे से पक गया, और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है बनने के बाद। अब इसमें ज़्यादा नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा पानी डालना है तो
ज़्यादा भी पानी डाल सकते हो, नहीं तो आपको हल्का लटपट रखना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। जो ये बनेगा ना हल्का सा लटपट, बहुत टेस्टी लगेगा, इसमें सरसों का फ्लेवर आएगा और बहुत यम्मी लगेगा ये खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे। हमारा हो चुका है रेडी बैंगन, सरसों वाला बैंगन, एकदम अलग टेस्ट, अलग अंदाज में। तो आप भी फ्रेंड्स बनाना और बताना कि कैसा बनता है, टेस्ट करके बताना और बताना। तो फ्रेंड्स अब इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता, जिससे कि और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। ये बहुत यमी लगने वाला, बहुत यमी लगेगा इसका टेस्ट। तो धनिया पत्ता डाल दिए, हमारा हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बनाया है सरसों का बैंगन का भाजी। आप भी बनाना फ्रेंड, ट्राई करना। और मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ खत्म। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग जरूर बताना। मैं जल्दी फ्रेंड्स काम खत्म करती हूँ, हो रहा हो जाएगा लेट, नहीं तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड जरूर कमेंट करके बताना कि आप हमारा व्लॉग आपको कैसा लगता है। फिर मिलते हैं।